दिस इज़ AK22। आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट में, और आज मैं बताने वाला हूँ कि जो कैंडल्स ऐड हुई है 1.17 के फर्स्ट एवर स्नैपशॉट में, और 17 डिफरेंट कलर्स की कैंडल्स है, और आप कैसे इसको अपने डेकोरेशन ब्लॉक है एक्चुअली ये, और लाइट सोर्स है, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो इसको और कहाँ कहाँ आप आपकी बिल्ड्स में लगा सकते हो, मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये पीछे आपका दरवाज़ा दिख रहा है, इसके ऊपर हमने लगाई है ऊपर घंटी पे, घंटी बजाने का और कैंडल जलाने का। ओके, और यहाँ पर छोटी सी हमने बीच में लगाई है, पर अब हम मैं बताता हूँ आपको कि आप कौन कौन से ब्लॉक्स पे, कौन कौन से फेंस पे, कौन से कलर की मैच करती है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक TNT पे मैंने ऊपर लगाई है जो कि इसकी फ्यूज़ रहता है उससे मैच करती है, ब्लैक कलर की। देन यहाँ पर आते हैं हम, तो जैको लैंटर्न लगाया है उसके ऊपर, ऑरेंज कलर की ये कैंडल है जो उस पर शूट करती है। लाइट सोर्स, आप इसको अगर आपने इसमें कैंडल नहीं लगाई है तो भी आप, टॉर्च नहीं लगाई है तो भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें। ओके, तो अब आते हैं वॉल्स में, ये है डायराइट, इसके ऊपर सफ़ेद कैंडल्स बहुत मस्त लगती है। आप इसमें अगर आपको एक बड़ा सा टेम्पल बनाना है तो इसमें यूज़ कर सकते हो। ये वॉल है हमारी ब्रिक, स्टोन ब्रिक वॉल, जिसमें ग्रे कैंडल्स लगाई है। देन ये ब्लैक स्टोन वॉल्स, इस पर हमने ब्लैक कैंडल्स लगाई है। दिस इज़ सैंड ब्लॉक, ए क्या रे तुम लोग इधर काहे के लिए घुस रहे ले। और ये है एंड स्टोन पे ये हमने क्रीम कलर की है ये, यस, कौन सी कैंडल है, कलर कौन सा है इसका, आई थिंक क्रीम कलर का, रुको मुझे देखने दो। कैंडल्स, ये कौन सी कलर की है कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल है। ओके, दिस इज़ ऑरेंज, दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ ग्रे, देन दिस इज़ वाइट। ये बहुत सही इसमें मैच कर रही है वॉल्स में। ठीक है, अब इस तरफ देखो, इस तरफ हमने ये, यू कैन पुट इट ऑन दिस साइन बोर्ड पे भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो और बहुत अच्छी दिखेगी। साइन बोर्ड के पीछे आप अगर आपको कुछ लाइट लगानी है तो ऐसे पुट कर सकते हो। ठीक है, और एक्चुअली चार लगा सकते हो, पर चार इतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी इस पे चार अच्छी लगती है। ओके, अब आते हैं, ये तो हो गई हमारी वॉल्स जिस पे आप पुट कर सकते हो आपकी कैंडल्स। देन दिस इज चेन ब्लॉक, चेन ब्लॉक के ऊपर लगा सकते हो। एक्चुअली आप कैंडल्स को अपसाइड डाउन प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, और मैंने हमारे लैंटर्न्स पे लगाने की कोशिश करी पर थी, पर उस पे भी नहीं लग रही थी। ओके, तो ये चेन ब्लॉक पे आप पुट कर सकते हो, इसका टेक्स्चर भी इससे हल्का सा मैच कर रहा है। अगर हम इस पे ब्लैक लगाएं तो ब्लैक भी बहुत अच्छी लगेगी। ओके, तो और ये है हमारा आयरन फेंस। ठीक है, आयरन फेंस जो है उसके ऊपर हमने ये ग्रेश, लाइट ग्रे कैंडल है जो लगाई है, और ये एक्चुअली में एक टॉल कैंडल जैसी लगती है। एक और दिखाऊंगा जो बहुत सही लगती है, टॉल कैंडल जैसी मस्त है। ये कैंडल्स के लिए डिज़ाइन जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये है हमारा लाइटनिंग रॉन्ग जो कि कॉपर से है, मिलता है, ये भी 1.17 में ऐड हुआ है। इसके ऊपर मैंने ऑरेंज कैंडल लगाई है। एक्चुअली पता है लाइटनिंग रॉन्ग रॉड का ये जो ग्लो होता है ना, बहुत सही लगता है मुझे, ये जो इसके ऊपर ग्लो होता है, नाइस, गुड। और अब आते हैं, ये है कॉपर, कॉपर का ब्लॉक विदर्ड है ये, जो एकदम विदर्ड हो जाता है, पूरा हरा पड़ जाता है आपका कॉपर। उसके ऊपर मैंने ये ग्रीन नहीं साइन, एक्चुअली साइन कैंडल है ये, जो हमने लिट करना भूल गए। ओके, ए हाँ निकलो यहाँ से। ओके, तो अब आते हैं, ये है लार्ज कैंडल, ये क्या है आपको पता है ना, आपको ये एंड्रॉड है, इसके ऊपर मैंने वाइट कैंडल लगाई है, तो दूर से ये एक्चुअली में एक लॉन्ग कैंडल ही नज़र आती है। बाहर निकालो इनको। ठीक है, ये है लॉन्ग कैंडल हमारी जो आप प्लेस कर सकते हो, उसके ऊपर मल्टीपल अच्छी नहीं लगती है, सिंगल कैंडल लगाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी। अब आते हैं हमारे वुडन फेंस जो हैं, ये है डार्क ब्राउन, इसके ऊपर मैंने ब्राउन कैंडल लगाई है। देन दिस इज अकेशिया ऑरेंज कैंडल के साथ, दिस इज क्रिम्सन पर्पल कैंडल, दिस इज बर्च, और ये नॉर्मल कैंडल है, दिस इज ये कौन सी है, रैप्ड, हाँ रैप्ड वुड की, इसके ऊपर हमने साइन लगाई, साइन वहाँ पर भी लगा के रखी थी हमने। और अब आते हैं, ये है बैम्बू जो कि सेकंड ग्रोथ है इसकी, और इसके ऊपर लगाई है। पर क्या होता है, बैम्बू का जो स्पॉन का रहता है, मतलब जो प्लेसमेंट रहती है वो रैंडम रहती है, इस ब्लॉक के बीच में नहीं रहती है, तो या तो यहाँ होगा, एक कोने पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, इसलिए ये अलाइन नहीं रहती है। आप इसके ऊपर एक टॉर्च लगाओगे, एक कैंडल लगाओगे, मैंने लाइम कलर की लगाई है तो वो भी बहुत अच्छी दिखती है इसमें। एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, ये फुल ग्रोन था, मैंने ऊपर से काट के फिर इसके ऊपर लगाया, ये अलाइन नहीं है, थोड़ी ऑड लगता है, पर यू कैन यूज़ इट इफ़ यू वॉन्ट, नॉट बैड, किसी एंगल से ये बहुत अच्छी लगती है, किसी एंगल से इतना अच्छा नहीं लगता है। ऑलराइडी, तो अब चलते हैं, इस पे नहीं लगा सकते आप, इसके ऊपर पानी में लगा सकते हो, और पानी के ऊपर लगा सकते हो, ये देखो ये दिख रहा है,
ये एंगल ज़रा सा गैप है इसके अंदर पानी के बीच में से, जो कि आपको इस तरफ से नहीं दिखता है, ठीक है, इस एंगल से नहीं दिखता, तो पानी के ऊपर आप प्लेस कर सकते हो और ग्रेविटी इस पर यूज़ नहीं होती जैसे कि आप लैंटर्न्स पे होती है। लैंटर्न के नीचे वाला ब्लॉक अगर हटा दो आप, या ऊपर की चेन या जो भी ब्लॉक है वो हटा दो जिससे वो अटैच है, तो वो नीचे गिर जाता है, पर कैंडल्स वैसा बिहेव नहीं करती है। अंडर वाटर भी लगा सकते हो पर ये लिट नहीं करेगी। ओके ओके, सो दिस इज़ एनविल, इसके ऊपर मैंने ग्रे लगाई है, ये भी एक अच्छा लुक देता है इफ़ यू वॉन्ट टू पुट इट लाइक दैट वे। नाइस, मतलब कि एक चीज़ हमको करने नहीं देते। एंड दिस इज़ हमारा लैक्टर्न, इसके पीछे मैंने एंड्रॉयड पे लगाई है, स्टडी टेबल जैसा लुक आता है। एंड दिस इज़ टेबल, एंड इसके ऊपर मैंने येलो कैंडल्स लगाई है, येलो कलर कैंडल्स, तो ये हमारा स्टडी रूम जैसा लुक आता है इसका। ओके, अब चलते हैं फ्लावर पॉट में। फ्लावर पॉट में एक्चुअली आप कैंडल्स को पुट नहीं कर सकते, पर ये एक ही जो है कैक्टस का, जिसके ऊपर ये परफेक्टली मैच होती है, ठीक है, हमने कैक्टस लगाया है फ्लावर पॉट के अंदर, उसके ऊपर डार्क ग्रीन की हमने कैंडल लगाई है जो कि एक अच्छा खासा लुक देती है। आप इसको बुझा भी सकते हो और बुझा के भी बहुत अच्छा लुक आता है इसका। मैंने कोशिश करी थी पर ऐसा होता है ना, अगर आप फ्लावर पॉट में कैंडल्स लगा सकते तो बहुत मस्त लगता है। इनको एक पता एक वो भी देना चाहिए, नहीं वैसे तो नहीं देना चाहिए कैंडल स्टैंड, पर फ्लावर पॉट में लगाने का ऑप्शन देना चाहिए था, बहुत सुपर लगती वो। ओके, सो दिस इज़ लैंटर्न, लैंटर्न के ऊपर प्लेस नहीं होती, ये अटैच नहीं होती है क्योंकि दूसरे ब्लॉक अगर आप इसके ऊपर लगाते हो लैंटर्न के ऊपर तो वो अटैच होता है, पर कैंडल्स के साथ ये अटैच नहीं होती है, इसका हैंड जो चेन है वो एक्सटेंड नहीं होती है, ठीक है, तो ये ऐसी दिखती है। एंड दिस इज़ हमारा मेलन, मेलन के ऊपर भी एक अच्छा दूर से अगर देखे तो एक लुक देता है उसका, डंटल रहता है उसका लुक देता है ये डार्क ग्रीन कैंडल। ओके ओके, सो दिस इज़ द ग्लास वन, ये ऑलमोस्ट इनविजिबल है, ठीक है, अगर आप पास जाके देखेंगे तो ही आपको नज़र आता है इसका बेस, बाकी दूर से तो ये इनविजिबल हैंगिंग कैंडल ही नज़र आती है। ये आप लगा सकते हो आपके घर में इफ़ यू वॉन्ट, ठीक है, अच्छा लुक देती है क्योंकि इसका जो बेस है वो एक्सटेंड होता है नीचे से। ओके, तो अब आते हैं हमारे आर्मर सेट पे, जो कि मैंने यहाँ पर लगाए हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। देखो इनके सर पे लगी हुई है, एक्चुअल में ये लगता है कि इनके सर पे लगी हुई है, देख रहे हो, एक गैप नहीं है उनके बीच में। ये गोल्ड का है, ब्लू, दिस इज़ लेदर ट्यूनिक, लेदर हेलमेट, इसके ऊपर ब्राउन लगाया है, ये आयरन का है जिस पर वाइट है, दिस इज़ डायमंड के ऊपर ब्लू, दिस इज़ लेदराइट आर्मर जिसके ऊपर ब्लैक लगाया है, तो ये ब्लू डायमंड इतना मैच नहीं कर रहा है पर यहाँ से लाइन से सब मैच कर रहे हैं, नेदराइट भी हल्का सा मैच कर रहा है। एंड दिस इज़ टर्टल शेल जिस पे मैंने लाइम वाली लगाई है, टर्टल शेल हेलमेट भी रहता है, और ये हमारा छोटा सा चैंडेलियर नहीं झूमर है जो हमने लगाया बनाया है ऊपर की तरफ। ओके, अब आते हैं ये जो नीचे फेसेस दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली में आप कलेक्ट कर सकते हैं इन सर्वाइवल मोड, ये सारे हेड्स आप कलेक्ट कर सकते हो, तो ऐसा आप लुक भी देख सकते हो उनके ऊपर अगर आपको लगाना है आपके घर में, ठीक है, तो ये सब मैंने आर्मर स्टैंड पे लगाई है। दिस इज़ स्केलेटन, दिस इज़ विदर स्केलेटन, ज़ॉम्बी, एंड दिस इज़ क्रीपर, ठीक है, मस्त लग रहे हैं वैसे देखने में। एक लैंटर्न जैसा जो लुक आता है ना वो आप दे सकते हो उसमें, ये आर्मर स्टैंड के साथ भी, या प्लेयर हेड्स अगर आपने डाटा पैक लगा के रखा है तो प्लेयर हेड्स के ऊपर भी आप पुट कर सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और चार कैंडल्स एक्चुअली में बहुत अच्छी लगती है इसके ऊपर, एक के बजाय मुझे चार कैंडल्स अच्छी लगती है और मॉब हेड्स के ऊपर एक कैंडल अच्छी लगती है। नॉइस, और ये है नेदरराइट ब्लॉक, नेदरराइट नहीं, एंशिएंट डेब्रिस, इसके ऊपर ब्राउन कैंडल एंड केक, अगर आपको पता ही है केक के ऊपर आप लगा सकते हो, जैसे आप खाते हो केक तो ये कैंडल अपने आप गिर जाती है, इजी पीसी। एंड दिस इज पिस्टन, इसके ऊपर लाइम लगाते हैं, तो ये मेल्टेड लाइम का, मेल्टेड कैंडल का, मतलब कि क्या कहते हैं, वैक्स, मेल्टेड वैक्स का लुक देता है हल्का सा, पर हल्का सा कलर इसका ऑड है फिर भी चलता है, ठीक है। एंड दिस इज रिस्पॉन एंकर, जो नदर में लगा सकते हैं, इसके ऊपर पर्पल कैंडल्स बहुत सुपर लग रही है, अगर इसको चार्ज करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, ये ग्लोस्टोन से, ग्लोस्टोन डस्ट से, नॉइस। एंड दिस इज जाड़ा कैंडल विद बोन मील, दिस इज अनदर जाड़ा कैंडल विद नदर क्वार्ट्ज ब्लॉक, ठीक है, इसके ऊपर मैंने वाइट कैंडल्स लगाई है तो दूर से अच्छी दिखती है ये, इसके ऊपर चार भी लगाओगे तो बुरी नहीं लगेगी ये। ओके, तो ये है ऑलमोस्ट मैंने जो प्लेस कर सकते हैं और जिनके ऊपर ये परफेक्टली मैच होती है वो सब मैंने लगाई है यहाँ पर, ठीक है, कैंडल्स, और एक अच्छा खासा लुक देती है, और एक्चुअली में आप चार लगा सकते हो एक के ऊपर, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा लुक देती है, इतना बुरा लुक नहीं देती है चार कैंडल्स भी, पर ब्लॉक पे वो अच्छे से अटैच हो तो।
ओके, तो ये सारी कैंडल्स के डिज़ाइंस हैं जो मैंने ऐड करे हैं। अगर मुझे लगता है कि और हम इसमें ऐड कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो फिर आप मुझे डिस्कॉर्ड पे शो ऑफ एमसी शो ऑफ करके एक हमारा डिस्कॉर्ड का लॉबी चैनल है, टेक्स्ट चैनल, उसमें आप बता सकते हो कि कैसे और आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैंडल्स का यूज़ कर सकते हो हमारे डेकोरेशन के लिए। अब यहाँ पर एक को सज़ा देना है और वहाँ पर हमने बत्ती लगा के रखी है, लगता है इन्होंने निपटा दिया उसे, मुझे लग ही रहा था कि ये निपटा देंगे। तो हम लाएंगे उसको, वेंडिकेटर, ए वेंडिकेटर कहाँ है हमारा वेंडिकेटर, ये रहा, हमने फ्यूज़ लगा दिया, वो देखो लाल कलर का फ्यूज़ जो कि कैंडल पे बहुत ही सुपर लगता है। ये अंदर गया कि नहीं, तो अंदर जा रही है बचुआ, लेट्स सी इनके साथ हम भी उड़ेंगे क्या। ओके, गेम मोड, ए मोड सर्वाइवल, हेलो, शिट, मम्मी मम्मी, ये तो पीछे पड़ गया मेरे।